नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चीतन राम मांझी का बड़ा बयान आया है, सामने आया है। दरअसल बंगाल चुनाव को लेकर, बंगाल चुनाव जिस पर तमाम लोगों की नज़र है, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने तो कल ममता दीदी से मिलकर ऐलान भी कर दिया कि वो उनके साथ खड़े हैं। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट की कुर्बानी भी दे दी, यानी वाम दलों का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। जो बीजेपी, माफ कीजिएगा, बिहार में तेजस्वी के साथ खड़े हैं, उनका साथ छोड़ दिया ममता दीदी का साथ पकड़ने के लिए। सवाल भी खड़े हो रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि राजनीति में कोई मर्यादाएं नहीं रह गई हैं। खैर, तेजस्वी यादव तो छोड़कर ममता दीदी के साथ हो लिए, अब मांझी को चिंता ज़्यादा होने लगी है। मांझी चाहते हैं कि उनका गठबंधन हो जाए और नज़रें नीतीश कुमार की तरफ हैं। जी हाँ, बिहार में तो उनका गठबंधन है ही, सरकार के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं ही, समय समय पर आंख दिखाते ही रहते हैं, पर बंगाल में भी चाहते हैं वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हो जाए। मांझी की ये मंशा आज सामने आई, बिहार विधानसभा में पहुंचे थे सत्र में भाग लेने के लिए, तो मांझी ने अपने दिल की बात बताई। तो मांझी क्या कह रहे हैं पहले सुन लीजिए आप। जदयू से गठबंधन भी कर सकते हैं, गठबंधन का कोई सवाल नहीं आया है, कोई प्रस्ताव नहीं आया है, और किसी 13 दिन पहले अगर प्रस्ताव आएगा तो चाहेंगे गठबंधन में रहकर के लिए काम किया जा सकता है और करना चाहेंगे। बीजेपी जो एनडीए का मामला है तो जदयू और भाजपा अलग अलग है, हम लोग फोन से बात करते, उनका तो अपना है, अपनी बात है, नुकसान भी गए थे बंगाल भी गए, उनका जो कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल देखता है ना कि बिहार में हाथ का साथ बंगाल में टीएमसी पर विश्वास, ऐसे कैसे, कोई आइडियोलॉजी नहीं है क्या? अब इस पर हम नहीं कुछ बोलना चाहते। तो सुन लिया आपने कि मांझी चाहते हैं कि उनका नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हो जाए। वो दिल से चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो साथ मिलकर नीतीश कुमार के बंगाल का चुनाव लड़े। अब एनडीए की बात ठहरी, एनडीए में बीजेपी ने तो नीतीश कुमार को भाव नहीं दिया बंगाल के अंदर, शायद बात नहीं बनेगी और जेडीयू अलग ही चुनाव लड़ेगी। तो मांझी चाहते हैं कि जेडीयू के साथ वो खड़े रहें जैसे बिहार में खड़े हैं। तो मांझी की इच्छा आज दिल पर जुबां पर आ गई, पर तेजस्वी यादव के मामले में वो चुप्पी साध गए। जी हाँ, नीतीश के साथ तो चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर जब तेजस्वी के बारे में पूछा गया कि वो कांग्रेस और लेफ्ट का साथ छोड़कर ममता दीदी के साथ खड़े हो गए हैं, तो मांझी ने चुप्पी साध ली। अब आखिर मांझी के दिल में क्या है, ये तो वही जाने कि आखिर क्यों चुप्पी साध गए वो तेजस्वी यादव के मामले में, जबकि खुलकर बोलते हैं हर बातों पर तेजस्वी के इस कदम पर उन्होंने कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब मांझी के दिल में क्या है, ये बड़ी बात है कि मांझी क्या चाहते हैं आखिर। क्या कहीं बंगाल में तेजस्वी यादव का साथ तो नहीं चाह रहे हैं क्या मांझी? नीतीश की बात तो जरूर कर रहे हैं। खैर, तेजस्वी के बारे में वो चुप्पी जरूर साध गए हैं। बंगाल का चुनाव दिलचस्प है क्योंकि बंगाल में सभी की नज़रें हैं और बंगाल जो है पड़ोसी राज्य है बिहार का, इस नाते जो है तमाम दल जो है वहां पर अपना हाथ साफ करना चाहते हैं, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, या फिर मांझी की पार्टी हो, या फिर और भी जो दल हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह से वहाँ भी उनकी कुछ पैठ हो जाए, खाता खुल जाए, एक दो सीटें मिल जाएँ, तो बंगाल में कहीं ना कहीं वो जो है अगर सरकार बनी, अगर बदलाव हुआ, तो कहीं उनकी भी दाल गल सकती है। इस तरह की बातें सामने आ सकती हैं। हालांकि तेजस्वी अब दावा कर रहे हैं कि वो ममता दीदी के साथ खड़े हैं और ममता दीदी के लिए वो हर हद तक खड़े रहेंगे क्योंकि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है। वही हालांकि नीतीश कुमार जो है उन्हें बीजेपी ने तो सीटें नहीं दी, नीतीश कुमार अलग ही चुनाव लड़ेंगे और उनकी लंबी प्लानिंग है, पर मांझी अभी खिचड़ी जरूर पका रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार के साथ उनकी कोई गोटी सेट हो जाए तो बंगाल चुनाव में हो सकता है कि दोनों ही पार्टियों का कल्याण हो। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।